13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। सभी नगरवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाया जा रहा है इस बार 75 वर्ष पूर्ण होने पर आज़ादी के, और एक ये अच्छा प्रयास है देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए कि सभी लोग अपने घर पे तिरंगा फहराएं, राष्ट्रभक्ति की भावना बढ़ेगी। कुछ समय पहले तक ये प्रतिबंध था कि लोग घरों पर झंडा नहीं फहरा सकते थे, लेकिन अब नेशनल फ्लैग कोड में चेंज हो गया है, परिवर्तन हो गया है, जिसकी वजह से कि अब सभी लोग झंडा फहरा सकते हैं। और आप सोचिए कि कितना अच्छा लगेगा कि जब पूरे नगर के, पूरे देश के हर एक घर पे तिरंगा फहर रहा होगा और फिर से आज़ादी से जुड़ी हुई चीज़ें, आज़ादी से जुड़े हुए व्यक्तित्व, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले वो सभी लोग, सभी की यादें आएंगी, फ्लैशबैक चलेगा कि कैसे कैसे आज़ादी का मूवमेंट चला, कैसे कैसे चीज़ें सामने आई और आज हम 75 सालों में कहाँ पे पहुँचे हैं आज़ाद होने के बाद। तो एक बहुत अच्छा प्रयास है और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के आम जन में राष्ट्रभक्ति की फीलिंग और प्रगाढ़ होनी चाहिए, लोगों को आज़ादी और उससे जुड़ी हुई सभी चीज़ों को के विषय में जाने, विशेषकर जो नई पीढ़ी आ रही है, स्कूली बच्चे आ रहे हैं जो कि आज़ादी के 75 सालों के विषय में अभी उतनी जानकारी नहीं रखते जितना कि बाकी लोग, बुजुर्ग लोग रखते हैं, उनको सब पता है कि कैसे आज़ादी मिली, कैसे क्या हुआ, देश किस कठिन दौर में था। तो युवा पीढ़ी, बच्चे, सभी लोग आज़ादी कैसे मिले, उससे क्या लाभ थे और आज हम स्वतंत्र देश में रह रहे हैं तो हमें किन चीज़ों का पालन करना चाहिए, ये सभी चीज़ जानें और देशभक्ति की भावना सब में कूट कूट कर भर जाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ।